हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। तो गाइस, सुबह के टाइम आज मकर संक्रांति 14 जनवरी है, तो आज हम गाजर वाला चूड़ा मटर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मीठा मटर ले लिया है ढेर सारा, और एक गाजर, और यहाँ पे प्याज और मिर्चा। मैंने चूड़ा को धुल लिया है। यहाँ पे हरा धनिया, हरा लहसुन कट कर ली हूँ, अदरक, यहाँ पे एक गाजर डालूँगी। तो यहाँ पे रख दिया है कढ़ाई, तेल हो रहा है गरम, तो मैंने अदरक भी कट किया है, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस। तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं जीरे और हींग का तड़का लगा देती हूँ। जीरा हींग का तड़का लगा देती, थोड़ा ब्राउन हो गया है तो इसमें अदरक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया गाइस। ऐसे चूड़ा मटर बनाइएगा गाजर डाल के, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। खाने वाले एक बार खाएंगे तो दोबारा ज़रूर मांग के खाएंगे। तो हम ऐसे ही किए थे, तो आज सब लोग दोबारा दोबारा खाया। मैंने ढेर सारा यहाँ पे चूड़ा मटर बनाया। तो यहाँ पे देखिए, मैं हरा मिर्चा और प्याज का तड़का लगा दी हूँ। तो गाइस, चूड़ा मटर, इसको पोहा भी बोलते हैं। तो आप कई तरीके से, कई सारे लोग कई तरीके से बनाते हैं, सबका अपना अपना पसंद है। तो ये मेरा स्टाइल है, मतलब मेरी रेसिपी। मुझे ऐसा भी चूड़ा अच्छा लगता है। मैं सादा भी बनाई हूँ, मूँगफली वाला भी बनाई हूँ। मैंने सारा वीडियो डाल दिया है सारे तरीके से, तो बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैं गाजर को घिस लेते हैं, मतलब कद्दूकस करके इसमें डाल देंगे मटर के साथ में। मटर थोड़ा सा भून जाएगा तब, बहुत अच्छा लगता है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सारा तड़का ब्राउन हो गया था, तो मटर डाल देंगे अब। ये मीठा मटर है, बहुत जल्दी से पक जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए, मैंने चला करके ढक दिया था, तो मीठा ये गाजर हो गया है। तो अब मतलब गाजर कद्दूकस कर ली हूँ, तो अब इसमें डाल देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा चीनी डाला हुआ है, साथ में ही डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो यहाँ पे मैंने एक पूरे गाजर को कद्दूकस करके डाल रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस। तो अब इसको मिला मिक्स करके इसको थोड़ा पकाना है ढक करके, बहुत जल्दी से पक जाता है। तो मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर इसको ढक देंगे। तो देखिए, ये गाजर भी पक गया है, नमक, हल्दी और चीनी भी सब गल गए हैं। तो गाइस, इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और जो धुला हुआ चूड़ा है, डाल देती हूँ अब इसको। बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, आप लोग ऐसे ज़रूर बना के खाइएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको मिक्स करेंगे चलाते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए। देखिए, यहाँ फाइनली चूड़ा रेडी हो गया है, चूड़ा मटर बहुत ही टेस्टी बना है। तो गाइस, हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे और भी वीडियो आते रहेंगे, और मैंने सारे वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं पोहा के कई प्रकार से बना करके। तो यहाँ चलते हैं, हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो सर्व कर लेते हैं सबको। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने सर्व कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। हैप्पी मकर संक्रांति फिर से आप सबको। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।